का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। डिवाइड एंड रूल वो सब करना चाहते हैं। लव जिहाद क्या है? इस सवाल का सार बहुत विस्तारित है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि दिल्लगी के नाम पर दीन की आड़ में औरत को दोजख में भेज देने वाला एक गुनाह है लव जिहाद। और इस गुनाह के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हुक्म का वजन रख दिया है। लव जिहाद कानून के मसौदे पर शिवराज सरकार की मुहर लग गई है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। ये काफी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों में लव जिहाद के अपराध पर आवाजें बुलंद हुई, लव जिहाद पर सियासतें हुई, लव जिहाद की खबरें सामने आईं कि धर्म छिपाकर कोई मर्द आसमानी कानून की ओट में औरत के वजूद को खारिज कर रहा है। मगर एमपी सरकार ने अब मसौदा तैयार कर लिया है। अब सोच लें सितमगर खैर नहीं जो लव जिहाद के नाम पर औरतों को लानत भेजी। इसमें अलग अलग स्तर पर सख्त कानून बनाने के सभी प्रावधान रखे गए हैं। जो लव जिहाद करेगा, जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करेगा, जो लव जिहाद कराएगा और उसके तहत धर्म परिवर्तन करा के विवाह आयोजित करेगा, वो सब इस कानून के दायरे में आएंगे। जब से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बना था, तभी से कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इनमें सबसे आगे था उत्तर प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की माने तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनेगा वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा सख्त होगा। समय की आवश्यकता थी और जिस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति देश के अंदर हो रही थी, प्रदेश के अंदर हो रही थी, स्वाभाविक रूप से वो पीड़ादायक थी। कानून का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये हमारी बाध्यता है, जिम्मेदारी है। लेकिन जो गलत होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये भी तय है। कोई कितना भी बड़ा हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अब समझ लीजिए कि लव जिहाद के खिलाफ जिस कानूनी मसौदे पर शिवराज सरकार ने मुहर लगाई है उसका मजमून क्या है। लालच या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना होगा। नाबालिग या एससी जाति की महिलाओं के साथ अपराध हुआ तो 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल की सजा और 1,00,000 जुर्माना होगा। धर्म परिवर्तन करके की गई शादी मान्य नहीं होगी और विवाह के बाद बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार भी होगा। विवाह अमान्य होने के बाद भी पति अपनी पत्नी और संतान का भरण पोषण करेगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का बीजेपी के नेता स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं क्योंकि इसके माध्यम से अत्यधिक शोषण हो रहा था हिंदू बेटियों का, उनके साथ टारगेटेड शोषण किया जा रहा था। लव तो केवल दिखाने के लिए था, एक्चुअल उसके पीछे एक जिहाद था। जो बेटियों के साथ छल कपट हो रहा था, आज इस कानून के माध्यम से छल कपट बंद हो जाएगा। बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कानूनी मसौदे से खुश हैं, मगर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। लव जिहाद का जो ये बोगी दिखा के लोगों को उसको एक नैरेटिव बिल्डअप करके वो एक कम्युनिटी के खिलाफ ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की जो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा कहते हैं कि मसौदे पर विधानसभा में बहस की जाएगी। ये जो अंग्रेजों की पद्धति रही है जो शासन करने का तरीका, डिवाइड एंड रूल वो सब करना चाहते हैं, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। और गुण दोष के आधार पर कांग्रेस विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा करेगी। अब इंतजार विधानसभा सत्र का है जहां शिवराज सरकार इस बिल को सदन में पेश करेगी। विधानसभा से अगर बिल पास हो जाता है तो 2021 की शुरुआत से मध्य प्रदेश में कानून लागू हो जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।